हम मौजूद हैं अभी हरिहर नाथ मंदिर के प्रांगण में। हरिहर नाथ मंदिर पौराणिक महत्व का मंदिर है और इसे खुद ब्रह्मा ने स्थापित किया था। बताया जाता है कि 14,000 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना खुद ब्रह्मा ने की थी और यहाँ पर हरि और नाथ यानी कि विष्णु और महादेव दोनों मौजूद हैं। तो यूँ तो इसका काफ़ी धार्मिक महत्व है और सोनपुर आए तो हरिहर नाथ मंदिर ना आए ऐसा कोई हो नहीं सकता है। खास तौर पर देखें तो चुनाव के समय हरिहर नाथ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी सारण क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार होते हैं वो जरूर आशीर्वाद मांगने हरिहर नाथ मंदिर आते हैं। यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिराविदम, गंगा और गंडकी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत। इस नदी में स्नान करके बाबा के ऊपर जलाभिषेक करके श्रीरामनी जो पान कर लेते हैं नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन श्लोक बतलाता है। बताया जाता है कि 14,000 वर्ष पुराना ये मंदिर है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जबरदस्त रहती है। सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है और चूंकि ये चुनाव का समय है तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी बाबा के दर पर गुहार लगाते हैं और अपनी जीत की कामना करते हैं। ये लोग भी किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। दुनिया को जो चार क्षेत्रों में बांटा गया है उसमें से एक ये हरिहर नाथ क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है और दो क्षेत्र जो नेपाल में पड़ते हैं, वराह क्षेत्र और मुक्तिनाथ क्षेत्र। तो हरिहर नाथ क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने के बाद जल चढ़ाने से उनके कई जन्मों की के पाप धुल जाते हैं। चुनाव का समय है इसलिए काफ़ी जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना, अपनी जीत के मनोकामना के लिए आते हैं। सब लोग पार्टी का आ रहे हैं, लोग अपने अपने मंगल कामना के लिए बाबा से, बाबा से सब मंगल जीत की मनोकामना, जी जीत की मनोकामना के लिए आ रहे हैं सभी भक्त लोग। मैक्सिमम प्रत्याशी लोग पहले यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेके तभी वो अपने क्षेत्र में प्रोसीड कर रहे हैं और जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर चुनाव आफ्टर रिजल्ट फिर उसी तरह से सारे जीते हुए प्रत्याशियों का आगमन होगा और पूरा धूम धड़ाके के साथ वो लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ये भी बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सोनपुर से दो बार विधायक रहे हैं 1980 और 1985 में। बताया ये जाता है कि लालू प्रसाद यादव आज जो कुछ भी हैं, जहाँ तक वो पहुँचे हैं, उसमें बाबा हरिहर नाथ का बहुत योगदान है। लालू जी की काफ़ी आस्था रही है यहाँ से, यहाँ काफ़ी उन्होंने काम भी करवाया है यहाँ मंदिर में भी। जब वो सरकार में थे या सरकार में थे तो हमेशा आना जाना उनका लगा रहता है। उसके अलावा भी काफ़ी लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राजनाथ सिंह जी यहाँ आके रुद्राभिषेक करके गए हैं, सुशील मोदी जी गए हैं, हर एक प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग निश्चित रूप से आते रहते हैं, हमेशा उनका आगमन होते रहता है। चुनाव में क्या स्थिति है? चुनाव में यहाँ की स्थिति है कि अब देखिए वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो है कि जो यहाँ के है तो इस बार तो लग रहा है कि लालू का सरकार ही जीतेगा। तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राघोपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बात करें सोनपुर में, तो सोनपुर में मुख्य मुकाबला जो परंपरागत तरीके से है, पिछले हम कह सकते हैं कि चार चुनाव का आकलन करें 2000 से, तो दो बार बीजेपी और दो बार आरजेडी ने यहां से जीत पाई है और इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। हमारे साथ आरजेडी के उम्मीदवार रामाजुज प्रसाद हैं। बाबा का आशीर्वाद मिला आपको हरिहर नाथ बाबा का आशीर्वाद हम लोगों का हमेशा है। हम लोग के घर में बाबा हैं और बाबा के घर में हम पैदा हुए हैं। मैं पैदा ही हुआ हूँ बाबा के घर में और बाबा हमारे ही घर में वास करते हैं, इसलिए तो परमानेंट आशीर्वाद है।
क्या स्थिति है इस बार आप तो वर्तमान में तो आप विधायक पहले और इस बार जो घूम रहे हैं तो क्षेत्र के मतदाताओं और मालिकों का जो प्यार स्नेह जो उमंग मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि जितना वोट से मैं पहले जीता था उससे बहुत ज़्यादा वोट से मैं इस बार जीतूंगा। और लोगों का एक अजीब ढंग का क्या कुछ काम किया है आप इस बार? कुछ काम नहीं किया, बहुत काम किया। यहाँ जो भी काम किया मैंने ही किया, बाकी किसी का मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ, बाकी के हमारे साथी एक काम नहीं गिना सकते। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।